मुझे बड़ा कभी डर लगता है, जैसे एक हदीस मुबारक है कि ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक अल्लाह और उसके रसूल आपको हर चीज़ से प्यारे ना हो। नहीं, मैं बताता हूँ, एक को कहते हैं ईमान, एक कहते हैं ईमान की हलावत। ये हदीस आई है हलावत है ईमान पर, कि ईमान का टेस्ट, खाना तो हम सब खाते हैं, पर जब बोलेंगे कुछ टेस्टफुल खाना खाना, रियल गोड, एंड यू मस्ट रिमेम्बर दैट आई मिस दैट फूड, व्हाट अ डिश, व्हाट अ टेस्ट। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुमने टेस्ट लेना होगा ना, तो टेस्ट मेरी मोहब्बत से पैदा होगा, इबादत खुदा की और मोहब्बत मेरी। मैंने किसी जगह कहा था, अगरचे मैं समझता हूँ जुमला थोड़ा सा एक्सेस में है, मगर मैं अभी भी कायल हूँ अपने उस जुमले का, कि खुदा की इबादत ला शरीक और मोहम्मद रसूलल्लाह की मोहब्बत ला शरीक होनी चाहिए। तो जब हुजूर को ने ये फरमाया ना कि मैं तुम्हें बताऊँ कि ईमान की हलावत क्या है, तो फरमाया कि खुदा को ऐसे इबादत करो कि फिर उसमें कोई और शरीक ना हो। फिर फरमाया कि मुझसे ऐसी मोहब्बत रखो जैसी तुम्हें किसी और शय से ना हो। फिर फरमाया कि ईमान की ऐसी हिफाजत करो जैसे तुम्हारा दिल सांप के सुराख में हाथ देने से डरता है ना, ऐसे तुम शिर्क और कुफर का ध्यान रखो और मत जाओ उस तरफ। फिर तुम्हें हलावत, असली मज़ा ईमान का नसीब होगा। मगर इसकी डेमोंस्ट्रेशन तब हुई जब हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या उमर तुम मुझे कितना चाहते हो? फरमाया अपनी जान से कम, हर चीज़ से ज़्यादा। फरमाया उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता अगर तुम मुझे अपनी जान से बढ़ कर भी ना चाहो। तो उमर फारूक ने कहा, या रसूलल्लाह आज के बाद आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज हैं। बच्चे बुच्चे साहब, ये तो देखो ये आपका इबलाव होता है, इस अटैचमेंट को, हालांकि बच्चे हमारे होते ही कोई नहीं, ये एक यूनिवर्सल मैथडोलॉजी है जिसके तहत हमें बच्चे मिलते हैं। अब अगर थोड़ा सा आप गौर करो कि पीछे बिलियन ऑफ एक लाइन लगी होती है, कार्ड इशू हो रहते हैं, कंप्यूटर एंट्रीज हो रही होती हैं। एक बच्चा कहता है, जी पाजी मैनू कितने भेज रहा है? और कहते हैं कर्नल साहब चलेगा वहाँ। उसके कोई चॉइसेस नहीं होते, किसी किस्म का कोई उसका रूल नहीं होता, नीचे लोग बैठे हुए हैं उन्हीं के हिसाब से बच्चे आ रहे हैं। वो अलॉटमेंट है, योर किड्स वो अरवा हैं जो आपको अलॉट की गई हैं। आपका फर्ज यह है उनकी मेहमानबाजी अच्छी करो, उनको अपने जैसा कोशिश करो कि जैसे आप कमिट कर रहे हैं रिलीजन को, एक इखलास पैदा कर दो, उनकी तरबियत में इंसाफ पैदा कर दो। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिनको ले के वो आगे बढ़ के अपने ईमान की हिफाजत कर सकेंगे। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि आप बच्चों का कोई, वो आपका जब आगे बढ़ोगे फिर बच्चे गए और आप गए, छुट्टी हो गई, वो तो इसी ज़मीन के लिए। तो इतने एरियल कॉम्बिनेशन को आप मुस्तकिल कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते। देयरफॉर दोज पीपल हु गेट इन्वॉल्व इनटू दी स्मॉलर प्रायोरिटी स्ट्रांगली, दे सफर, उसका गम ज़्यादा होने होता है। यानी भी हमारा फ़र्ज है इन मेहमानों की हिफाजत करना, इनको पालना, इनको इस काबुल बनाना कि हमारी तरह ही उस आजमाइश के पैटर्न से गुजर सकें। इफ़ यू आर लकी योर पेरेंट्स हैव गिवन यू द राइट काइंड ऑफ मूड, यू शुड ऑल्सो बी एबल टू गिव देम अ प्रॉपर आईडी कि आप कौन हैं, किधर से आए हैं, क्या मूड होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम तो अपने बच्चों को बेहतरीन तालीमात दिलवाते हैं, मगर जो नेचुरल तालीम है वो नहीं देते, वो नहीं देते हम उनको वो रुझान और वो एटीट्यूड नहीं देते कि जी आपने इन वैल्यूज़ को सामने रखा है, एक खुदा है उसको ये करना है, रसूल को ये करना है। हम तो इधर तवज्जो ही नहीं देते, ले रहे कि कारी को हमने बच्चे को भेजा, कारी ने पढ़ा दिया और उस पे हम बेस करते। कई अनपढ़ जिन्होंने ज़िंदगी भर लफ्ज़ कुरान का बावजूद कोशिश की नहीं पढ़ा होता, वो बच्चे को हिफज कराने पर जोर दे रहे। तो मैं कहो बच्चे से पूछ तो लो, बच्चों को आपको पता है क्यों सर दर्द होता है हिफज करने वाले, दे डोंट वांट इट, आप ज़बरदस्ती हिफज करा रहे होते हैं। हमारे तो ये है कि हम अगर नेचुरल तालीम दे सके ना बच्चों को, और मैंने देखा कि वो बाप जो उनको ऑनेस्ट रिस्क दे रहे हैं, उनको अच्छी वैल्यू दे रहे हैं, बच्चा फौरन आइडेंटिफाई कर, इफ़ ही थिंक्स माई फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ ही विल बी प्राउड, इफ़ ही थिंक्स माई फादर इज काइंड हार्टेड वो विल बी प्राउड,
If he thinks my father is courageous enough to stand against all odds, he will be proud. हमने उनको वैल्यू और ट्रेडिशन देनी होती है. आगे अल्लाह उनका वारिस है, जाहिर है वो आपकी औलाद हैं, आप उनके लिए दुआ करते हो. कुरान में आपने पढ़ा खिजर के वो वाक्य को पढ़ा कि खिजर ने क्या कहा कि मैंने दीवार इसलिए सीधी कर दी कि इनका बाप एक नेक आदमी था. तो दुआ कर गया होगा ना, तो दुआ बच्चों को ये लग रही कि तीन नस्लों के बाद उनके लिए ऐसा मौका पैदा किया कि उनके बाप की या दादा की दुआ उन तक पहुँचे और वो सरमाए के मालिक. ये आपकी तस्वीर चार